अपने रिटेल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद रिटेलर जो है वो प्राइस पॉलिसी के ब्रॉडर फ्रेमवर्क के ऊपर आता है ताकि वो जो क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं उसके पास प्राइस पॉलिसी की वो उसको इवेल्यूएट कर सके तो हमारे सामने वो तमाम चॉइसेस हैं जिससे ये पता लगेगा कि रिटेलर को के पास क्या है कस्टमर को ऑफ़र करने के लिए क्या क्या ब्रॉडर फ्रेमवर्क है उसके पास प्राइस के परस्पेक्टिव में प्राइस पॉलिसी के परस्पेक्टिव में ताकि वो प्राइसिंग के डिसीजन को ले सके और अपनी रिटेल प्राइस स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सके तो सबसे पहले उसको क्या देखना है सबसे पहले रिटेलर को देखना है कि क्या जो वो प्राइसिंग ऑफर करने जा रहा है वो इन लाइन विद द कंपटीशन होगी कंसिस्टेंट विद द कंपटीशन होगी या वो कॉम्पैट कॉम्पिटिशन से ज़्यादा होगी या वो कम्पैटर से कम होगी सो so, तीनों सूरतों के अंदर उसको ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि आइदर आई वुड बी प्लस फाइव परसेंट एन द कॉम्पिटिशन आई वुड बी माइनस फाइव परसेंट फॉम द कॉम्पिटिशन और आई वुड बी इन लाइन विद द प्राइसिंग ऑफर्ड बाई द कॉम्पिटिशन तो ये पहली बात रिटेलर को कोवेल्यूएट करनी है और फिर उसके बाद उसने इसको लॉक करना है फ्रेमवर्क को ताकि आगे फॉरवर्ड जो सके आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सके फिर उसके बाद जो रिटेलर को पॉइंट uh, जहन में रखना है वो ये है ऑल आइटम्स विल बी प्राइज्ड इंडिपेंडेंटली और प्राइसेस फॉर ऑल आइटम्स विल बी इंटर रिलेटेड टू मेंटेन इमेज एंड शोर प्रॉपर मार्कअप्स मोस्ट ऑफ़ द केसेस के अंदर ऐसा भी ऑब्जर्व किया जाता है कि रिटेलर को यह देखना पड़ता है कि मुझे तमाम प्राइसिंग को इंडिपेंडेंटली लेके चलना है या मुझे प्राइसिस को एक फ्रेमवर्क के अंदर एक पैरामीटर के ऊपर लेके चलना है ताकि मैं अपने इमेज को अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकूं अपने स्टेटस को तो कस्टमर को ये अंडरस्टैंड करना है कि ये प्राइसिंग यहाँ पर विद एक्सलेंट प्राइसेस है स्टोर के अंदर इस स्टोर के ऊपर प्राइसेस बहुत हाई हैं इस स्टोर के ऊपर प्राइसेस बहुत लो हैं तो आपने डिसाइड करना है एज ए रिटेलर कि मेरे पास जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं वो इंडिपेंडेंटली प्राइस होंगी या उनके दरमियान कोई हमने रिलेशनशिप रखे एक स्टैंडर्डाइजेशन रखनी है कि हमारे पास ऑल प्राइस वुड बी लाइक दिस तो रिटेलर को ये दूसरा पर्सपेक्टिव अपने पास जहन में रखना है जो तीसरा प्राइस परस्पेक्टिव रीटर को प्राइस के हवाले से अपने पास कंसिड्रेशन में रखना है वो प्राइस लीडरशिप के हवाले से है वो ये है कि क्या कंपेटिटर को फॉलो करेंगे आप या कंपटीशन आपको फॉलो करेगा क्या आप किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे और आप अपनी प्राइसिंग के ऊपर चलते रहेंगे नॉर्मली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि रिटेलर ये करता है कि वो एज पर ही स्ट्रैटी कि वो या तो डिसाइड करता है कि मैं प्राइस लीडरशिप लूँगा फ्रॉम आवर कॉम्पिटिशन सो आई वुड बी वन एज ए रिटेलर हु विल डिसाइड मार्केट प्राइस एंड रेस्ट एवरी वन विल फॉलो दिस इज नंबर वन अप्रोच नंबर टू अप्रोच यह है कि आई विल फॉलो वट्स इज बिन डन प्राइस चेंजेस के अंदर आप प्राइस लीडरशिप पोजिशन के बजाय प्राइस फॉलोअरशिप पोजिशन के ऊपर आ गए और तीसरा सनेरियो के अंदर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली यू आर मेकिंग यूर ओन प्राइसेस सो इस्पेक्टिव ऑफ़ द फैक्ट के कॉम्पिटिशन की क्या प्राइस है यू हैव योर ओन प्राइसिस नॉर्मली दिस इज नॉर्मली नॉट अ वेल रिकमेंडेड अप्रोच के आप अपनी इंडिपेंडेंट प्राइसिस को फॉलो करते रहें विदाउट नोइंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग और विदाउट रिएक्टिंग टू द कॉम्पिटिशन प्राइसिस फिर uh, जो लास्ट पाथ जो प्राइस पॉलिसी के परस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइसिस जो है वो कॉन्सटेंट uh, रहेंगी कंसिस्टेंट रहेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ फॉर एग्जाम्पल ओवर अ पीरियड ऑफ सीजन ओवर अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथस ओवर अ पीरियड ऑफ वन मंथ ओवर अ पीरियड ऑफ वीक ओवर अ पीरियड ऑफ फोर्टीन डेज सो वट सेवर इज़ अ पीरियड वो प्राइसिज फिक्स रहेंगी या प्राइसिस में चेंज आता रहेगा सीजनेलिटी बेसिस पे चेंज होंगी या उसमें चेंज नहीं होंगी तो आपको इस बात को भी डिसाइड करना है और एज अ रिटेलर डिफाइन करना है कि अपने ब्रॉडर प्राइस पॉलिसी के अंदर कि मुझे क्या अप्रोच लेके चल रही है आगे प्रोसीड करने के लिए आगे फॉलो करने के लिए फिर इसी तरीके से इन सारी बातों के ऊपर रिटेलर अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी की फॉर्मेशन के ऊपर आता है तो उसके पास तीन तरीके से ऑप्शंस नज़र आती हैं डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग के ऊपर की बात है फिर हम बात करते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग की और फिर हम बात करते हैं कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग की मैं स्टार्ट करता हूं लास्ट से ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें इस बात को कि जो सबसे पहले बात जिसके ऊपर आपको रिएक्ट करना है दैट इज़ कंपटीशन। तो कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है कि जहाँ पर वाइल कीपिंग इन कंसिडरेशन योर कंपटीशन यू मेक योर प्राइस और बाय एस्टिमेटिंग और बाय मेकिंग अ फोरकास्ट ऑफ द प्राइसिंग जो कस्टमर करने जा रहा है उसकी बेसिस के ऊपर एस्टिमेशन के ऊपर यू चेंज योर प्राइसिंग For example, as a retailer, you expect that, uh, let's say, uh, is this particular event, ke upar, the competition is going to react and will reduce price by 20%. And on the basis of this uh, analysis, on the basis of this working, you reduce your pricing accordingly. So, this approach is competition oriented approach. The approach can be proactive, the approach can be reactive. But in this scenario where you are following the competition, the अप्रोच इज कंसिडर्ड एज कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड अप्रोच दूसरी अप्रोच हमारे पास कॉस्ट ओरिएंटेड अप्रोच है तो इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल इज लेस यू कैन हैव लेस प्राइस इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर यू कैन हैव मोर प्राइस और इफ द प्रोडक्ट इज कॉस्टली एंड द प्रोडक्ट इज ओनली विद यू यू कैन हैव योर ओन प्राइस तो अगर द प्राइस बेस इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इस सूरत में यू यू डोंट कंसिडर द कॉम्पिटिशन टेक कॉम्पिटिशन इं टू कंसिडरेशन आप कहते हैं कि मैं कॉस्ट uh, मेरी जो आ रही है मैं उसकी बेसिस पे प्राइस सेट करूंगा तो अल्टीमेटली ये आप कॉस्ट ओरिएंटेड अप्रोच की बात करते हैं जब हम फर्स्ट की बात करते हैं विच इज़ डिमांड ओरिएंटेड अप्रोच तो बड़ा क्लियर है डिमांड ओरिएंटेड अप्रोच क्या है उसके लिए मैं अगर आपको थोड़ा और डिटेल में लेके जाता हूँ तो दिस विल रियली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कि डिमांड ओरिएंटेड अप्रोच क्या है डिमांड ओरिएंटेड अप्रोच की अगर हम बात करते हैं डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग की बात करते हैं तो एक्चुअली इट इज अबाउट ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एक तो कस्टमर की क्या डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और उसकी बेसिस के ऊपर यू डिसाइड द प्राइस सेकेंड इज अबाउट द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिनकी प्राइसेस साइकोलॉजिकली इज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर एंड कस्टमर नोज अबाउट दैम फॉर एग्जाम्पल वो पेप्सी की या कोक की जो प्राइस है वो एक ओपन सीक्रेट है जो कि कस्टमर को पता है शायद एक बच्चे को भी पता हो तो वहाँ पर यू कैन नॉट हैव मोर प्राइसिंग तो साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स एंड देन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ऑफ दी साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स इज वन ऑफ दी की एट्रीब्यूट इन डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग इसके दो मेजर कॉम्पोनेंट हैं वन इज प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन सो आप क्या कर सकते हैं यू कैन हैव द प्रोडक्ट प्राइस एज पर द क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्ट एंड देन यू कैन हैव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विद दी हाई प्राइस यू कैन हैव द मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट और एवरेज क्वालिटी प्रोडक्ट विद द एवरेज प्राइस एंड यू कैन हैव द लो क्वालिटी प्रोडक्ट विद द लो प्राइस बट यू कैन हैव फॉर इट इज इज ऑप्शन ऑफ़ द रिटेलर कि वो इस लो क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर जाता है कि नहीं जाता बिकॉज अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट द इमेज ऑफ द रिटेलर और फिर प्रेस्टेज प्राइसिंग की बात है कि नॉर्मली uh, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ कैटेगरी के ऊपर देर देर इज अ प्रेस्टेज अवेलेबल दैट इट इज़ विद यू ओनली तो यू आर दू यू आर द ओनली वन हु इज हैविंग दिस प्रोडक्ट तो यू कैन हैव योर प्राइस अकॉर्डिंगली तो डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग के अंदर इट इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट द द एसोसिएशन बिटवीन क्वालिटी एंड प्राइस एंड देन द प्रेस्टीज फैक्टर ऑल कीप इन टू कंसिडरेशन हमारे पास प्राइस की चॉइसिस के हवाले से तो कस्टमर के पास रिटेलर के पास तीन तरह की बातें थी मैंने कहा डिमांड ओरिएंटेशन है उसके पास कॉस्ट ओरिएंटेशन थी और उसके पास कॉम्पिटिशन ओरिएंटेशन थी एंड देन द रिटेलर हैजू डिसाइड वन आउट ऑफ दीज थ्री आगे प्रोसीड करने के लिए नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी को लॉक करने के लिए